खुशबू वाले। याना दिल्ले उस तरफ रख लो अपनी कुर्सी के पास। नहीं है ये ऊपर से सुराख कर लो ना। नहीं क्या कौन सी खुशबू है? अच्छी होगी खुशबू तो। अच्छी दो है एक ये वाले भी। ये तो वो वाले है ना खुशबू के वो स्प्रे वाले। ये मैंने कभी सफाई कर रही हूँ ना तो फिर करती हूँ स्प्रे। खोल लो अगर नहीं है स्प्रे है ये। मैंने कहा वो मैंने सारी गतियां वगैरह डाली हुई है ना। अभी जो है ये सारी गतियां मैंने धोने के लिए डाली हुई है। और ये अभी फ्लावर शॉप वाला बॉक्स हमने खोला है और अभी इस थोड़ी सी इसमें पेंटिंग वगैरह हुई है। अभी ये बॉक्सेस सारे पड़े में खोलने वाले। ये कल खोला था और ये वाला भी था। अभी देख सकते हैं इधर भी सारा गंद वगैरह मचा हुआ। उस टाइम बहुत रोशनी है सुधर से कुछ नज़र नहीं आ रहा इस टाइम। और खुशबू के लिए जो है वो यहाँ पे रखा है ये। अब इस पे इसके ऊपर जो है वो सारी स्टिक्स में जो है ये इधर खुशबू हो जाएगी। और ये मैं वैसे ही एज ए मेमोरी ले आई थी अपने जहाज से। वैसे ही सच कुछ स्पेशल नहीं था वैसे ही मैंने कहा। और बाहर जो है वो भी ठंड हुई हुई है। ये मेरे अभी कोविड टेस्ट पड़े हुए और मुझे ये टेस्ट करने हैं बिकॉज टुडे इज़ आई थिंक डे वन काउंटेड एज डे वन बिकॉज कल जो था वो डे ज़ीरो था। आज वन है और कल टू है। तो कल फिर मैं ये कोविड टेस्ट अपने करके तो सेंड करूँगी। बाकी ये सारी कैंडल्स हैं इनको भी सॉर्ट आउट करना है कि मैंने कौन सी किधर रखनी है और कौन सी किधर रखनी है। और इस तरफ इस तरह से क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ और बिल्कुल भी मेरी जो है वो पूरा फोकस जो है वो भी सफाइयों पे है। अभी मैंने थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग की है। कुछ पैंस वगैरह थे वो ख़राब हुए हुए हैं उनको सही कर रही हूँ। ख़राब मतलब इन अ सेंस जले हुए हैं बहुत ज़्यादा तो उनको जो है वो उबाल की कोशिश कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाएं ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। नहीं तो फिर उनको फेंकना पड़ेगा। तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ अपने जो पैंस वगैरह हैं। और बाकी जो है ये अभी कल रात को खोला था तो इसकी जो है वो आप लोगों को पूरा जो मतलब सेट वगैरह है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो है अभी क्लीनिंग चल रही है गाइस। डीप डीप एंड डीप क्लीनिंग है। और ये है जी कुछ इस तरह से जो फ्लावर शॉप मैं आप लोगों को दिखा रही थी और वो इस तरह से है कुछ फ्लावर शॉप वाला। उसके ऊपर पेंट वगैरह बच्चे वगैरह करते हैं और ये वो है। और पीछे जो था अभी ये मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि इनको काट के जो है वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। और वो वाला भी सारा सीन जो है वो हमें करना है। बाकी यहाँ पर ये वाला जो एबीसी वाले चार्ट्स वगैरह थे वो आप लोगों को बॉक्स दिखाती हूँ।
ये है जी बॉक्स, इसके अंदर कैलेंडर्स वगैरह थे और चार पैक्स था पूरा 4 का। और मैंने अभी जो है वो इसको खोला है और एक लगाने की कोशिश की, बिकॉज अभी तो नहीं मतलब खोला था तो ये सामने ही ये वाला था, तो मैंने कहा चलो वाई नॉट इसको लगा लेती हूँ। तो मैंने फिर इसको जो है वो इस तरह इधर लगा लिया है। बाकी मुझे से किसी ने कहा है कि आप जो है वो कपड़ों की जो वीडियो जो मैंने कल लगाई थी उसको ज़रा डिटेल में बनाएं, तो वो मुझे अभी डिटेल में वीडियो वगैरह बनानी है, अभी वो मैं बनाऊंगी। इस तरफ भी बहुत ज़्यादा गंद, मतलब गंद इन सेंस बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं। ये मैं तंदूर लेकर आई थी जी पाकिस्तान से और ये इधर पड़ा हुआ है, अभी मैंने खोला नहीं है बिल्कुल भी। अभी पैंट्स की आप लोगों को सिचुएशन दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा मैट है और ये मैंने मेरे हस्बैंड ने इधर कहा है कि जी आप किचन में लगा लें, पर मैं यहाँ पर नहीं लगाने वाली बिकॉज इधर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और फिर ये गंदा हो जाना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और ये है जी पैंट और इसकी कुछ इस तरह से हालत हुई पड़ी है और मैंने बहुत इसको जो है वो धोया शोया है। बाकी इधर से सारी मैंने अभी क्लीनिंग की है और आप देख सकते हैं कि बड़े ही जो है ना बहुत ही अभी डीप क्लीनिंगें चल रही हैं मेरी, और इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। पर आज तो बहुत ही 2 दिन हो गए, थकी हुई हूँ। बिरयानी वगैरह मैंने बनाई थी, एयर फ्राइड पोटैटोस थे साथ में, जो है वो देख सकते हैं कि अभी गंद इकट्ठा हो ही लगा रहा है, खोई लगा रहा है और क्लीनिंग जो है वो चल रही है। अभी बर्तन जो हैं वो धुले हुए हैं और बस अभी ये जो चादर है इधर इसको मैं काट काट कर जो है वो मैं थ्रो कर रही हूँ, बिकॉज वाइप्स मेरे पास वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पड़े हुए हैं। पर वाइप्स का ये सीन है कि अभी वाइप्स अभी मुझे चाहिए और ड्राई क्लॉथ्स भी चाहिए, तो अभी मैं क्योंकि बाहर नहीं जा सकती बिकॉज अभी कोविड की वजह से अभी मुझे 10 डेज़ घर में ही रहना है, तो मैं इस वजह से अभी नहीं लेकर आ रही। इंशाल्लाह जैसे ही मतलब ख़त्म होगा तो फिर मैं लेकर आऊँगी। पर इन लोगों ने मतलब एज सच को मेरे लिक्विड्स वगैरह यूज़ नहीं किए जो मैं काफ़ी लेती रहती हूँ, तो अभी ये वाला जो है वो एको एक्टिव किचन क्लीनर टेस्को का, इसी से मैं अपनी सारी जो है वो ये कवर्स वगैरह साफ कर रही हूँ। अंदर से भी करनी बाकी है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर अभी जो है वो ये है कि मुझे बेसिक तो सब कुछ साफ चाहिए। वॉश ड्रायर में जो है अभी आपको आवाज़ आ रही होगी ड्रायर की, ड्रायर जो है वो मैंने अभी चलाया हुआ है एज क्योंकि गद्दियों के कवर्स वगैरह धो रही हूँ और अभी जो है वो ब्लैंकेट भी मेरा ख्याल है कि मैं सोच रही हूँ कि वो भी अंदर डाल दूँ। और ये राची कल बासमती चावल और हर चीज़ आई है, उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ घर का जो है वो काम शाम चल रहा है, वरना अलबत्ता घर में कुछ भी नहीं था तो लिहाजा हर चीज़ लेकर आनी बहुत ज़रूरी थी। अभी मैंने उस वाले फ्रीज़र में सब कुछ रखा हुआ है, इस वाले फ्रीज़र को मैंने करना है जी यूज़। फ्रिज हमारा छोटे वाला चल रहा है अभी। और ये है जी कुछ अपडेट और दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट और ये मुझे मेरी बहन के बेटे हुसैन ने दिया है, तो मैं इसको ज़रूर मैं तो लाना भूल ही नहीं सकती थी इसको। और इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी चीज़ें वगैरह होंगी आप लोगों के साथ इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत सी आप लोग देख सकते हैं मशीन वगैरह भी आई हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो उसके लिए एक जाहिर सी बात है नई वीडियो बनानी पड़ेगी। ये कुछ इस तरह से हमारे अभी घर की हालत हुई हुई है, बिकॉज पैकिंग वगैरह भी हमने करनी है, मतलब अनपैकिंग करनी है इन सारे गिफ्ट्स की, और उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त गाइस, इंशाल्लाह शाम की वीडियो में आप लोगों को बाकी अपडेट दूँगी। तो जज़ाकअल्लाह।